محمد وعلى محمد صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد आज माह रजबुल मुरज्जब की 16 तारीख है 1432 और जून की 18 तारीख है 2011 की और आज हम सूरह मुबारक आले इमरान की आयत नंबर 164 165 और 166 की तिलावत करेंगे 164 65 and 166 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم "لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين صدق الله العلي العظيم محمد وآل <وعلي> محمد <applause> حضراتي آيات بي گزشتہ آيات سے مربوط اور متصل ہیں. और जैसा कि आप जानते हैं कि ये तमाम आयतें जिनकी तिलावत हम कर रहे हैं अभी ये जंग अहद के तल्ल से नाजिल हुई इससे पहले की आयत में आयत नंबर एक सौ इकसठ में पैगम्बर इस्लाम पर लगाए गए इल्ज़ाम की तरदीद की गई थी और बहुत ही शिद्दत के साथ कुरान ने पैगम्बर इस्लाम सल्ला वम की अज़मत का और उनकी इस मत का दिफा किया जबकि कुछ मुनाफिकीन ने आप पर ये इल्ज़ाम लगाया कि कुछ चीज़ें जो गायब हो गई थी माल गनीमत से उसमें में नावज़बिल्ला पैगम्बर इस्लाम ने किसी तरह की खियानत की थी इस तरह के इल्ज़ाम जब पैगम्बर पर लगाए और जैसा कि हम इससे पहले अर्ज़ कर चुके हैं अफ़सोस की बात यह है कि ये उन लोगों ने लगाए जो पैगम्बर इस्लाम के आस बैठते थे और एक लिहाज से वो लोग जो काफिर और मुशरिक थे और इनके दुश्मन थे वो इनसे बेहतर थे साथ बैठने वालों से जो पैगम्बर इस्लाम की रिसालत का तो इकरार नहीं करते थे लेकिन आपकी अमानत का यकीन वो कलमा पढ़ते थे उनकी सदाक़त और अमानत का और उनको साद व अमीन मानते थे बाहर के मजीद ने बहुत शिद्त के साथ इस इल्ज़ाम की तरदीद की और उन लोगों की मजम्मत की जो इस तरह का तस्वूर अपने जहन में पैगम्बर इस्लाम के लिए रखते हैं और उसके बाद दो गिरोह बताए कुरान ने उनके उन अफराद के जो पैगम्बर इस्लाम के आसपास थे कुछ वो लोग हैं कि जो अल्लाह की मर्ज़ी के पाबंद हैं और कुछ वो लोग हैं जो अल्लाह की गज़ब का शिकार हैं और कुरान ने कहा कि ये दोनों एक जैसे नहीं हो सकते इन दोनों को एक पल्ले में रखने की कोशिश कभी न करना ये लोग हम दराजाद्ला के मुख्तलिफ़ दर्जात हैं अल्लाह की नज़र में और अल्लाह सब के अमल से वाकिफ़ है इस पर तफसी गुफ्तु गुज्त हफ़्ते हुई उसके बाद की आयत इसी आयत का ततिमा है यानी पैगम्बर इस्लाम ही की तारीफ़ में क़ुरान फिर आगे ये भी कह रहा है कि कैसे हो सकता है कि तुम पैगम्बर इस्लाम के तल्लु से इस तरह के तस्वूरत अपने जहन में रखो या अपने जहन में ऐसे ऐसे शक व शुभात लाओ नबी के तल्लुक़ से जबकि लक़दमंदमिन ईदबा आतफ़ीम रसूल मिनफ़ैम अल्लाह ने ममिन पर एहसान किया कि उनमें से उन्हीं में से एक नबी भेजा एक रसूल भेजा उनके लिए उनकी हिदायत के लिए तो जाहिर के जो गुस्ताखी नबी की शान में की गई थी उसका जवाब इस अंदाज़ से भी दिया जा रहा है कि तुम पैगंबर इस्लाम के ताल्लुक से इतनी छोटी छोटी बातों का इल्ज़ाम नबी पर लगा रहे हो जाहिर के इल्ज़ाम बहुत बड़ा है लेकिन कितनी छोटी चीज़ का इल्ज़ाम था कि पैगम्बर इस्लाम ने फ़ुला चीज़ नवाज़ अपने लिए रख ली या नबी ने गनाइम की तकसीम में अदल से नवाज़बिल्ला काम ने लिया या काम न लेते इस तरह के तस्वूर जहन में थे तो कुरान ने कहा कि नबी ममिन के लिए अल्लाह ने एक बहुत बड़ा एहसान किया है ममिन पर कि उनमें से उन्हीं में का एक नबी उनके दरमियान भेजा उनकी हिदायत के लिए ज़ाहिर के कि पैगम्बर इस्लाम का वजूद ममिन के लिए एहसान अजीम है अलबत् ये बात सब जानते हैं और जो साहिबान ईमान हैं उनका यह एतक़ाद है और जिनका एहतिक कुरान पर है उनको इस बात का यकीन है कि पैगम्बर इस्लाम एहसान अजीम हैं अल्लाह की नमत अज़मा हैं लेकिन सिर्फ मोमिन के लिए नहीं हैं वो सब के लिए हैं यानी वो नमत हैं अल्लाह की तरफ से न सिर्फ़ ममिन के लिए बल्कि अल्लाह ने उनको नमत व रहमत बना कर भेजा तमाम आलम इंसानियत के लिए और न सिर्फ़ इंसानियत के लिए बल्कि आपका वजूद जीजूद रहमत है और नहमत है तमाम आलमीन के लिए ममा और सल्ला का रहमतमिन नहीं कहा रहमतमसमिन नहीं कहा रहमतनास भी नहीं बल्कि अहमत लमीन तो आपका वजूद तमाम आलमीन के लिए रहमत और बरकत है जब आपका वजूद जी जूद तमाम आलमीन के लिए रहमत है तो कुरान ने यहाँ सिर्फ़ ममिन की तखसीस क्यों की ये क्यों कहा लक़दमिन अल्ला ने सिर्फ़ ममिन के लिए ऐसी ऐसा नबी बना ऐसा ऐसा नबी भेजा जो रहमत है और नहमत है और एहसान अज़ीम है अल्लाह की तरफ से ममिन की तख्ीस इसलिए नहीं है कि पैगम्बर इस्लाम सिर्फ ममिन के लिए रहमत थे बल्कि इसका इसकी वजह यह है कि पैगम्बर इस्लाम उसी तरह रहमत हैं ममिन के लिए जैसे कुरान हिदायत है मतकीन के लिए आपने देखा इब्तदाय कलाम में सूर् बकर की बिल्कुल इब्तदाई आयत जो है अलफलाम मीम मालिकल किताब अलारा बफ़ी हदन ललमुतिन क़ुरान ये किताब हिदायत है मतकीन के लिए तो अब ये किताब जो हिदायत है मतकी के लिए तो उसको सिर्फ मतकी पढ़ेंगे इससे सिर्फ मतकीन फ़ायदा उठाएंगे ये मतकीन के लिए किताब आई है जबकि दूसरी जगह ये कहा जा रहा है कि हदन लनासी वातिन मिनलहदाफुर्क़ान ये तमाम इंसानों के लिए हिदायत है तो फिर क्या है किसके लिए हिदायत है तमाम इंसानों के लिए है या मतकीन के लिए अगर मतकीन के लिए है तो सिर्फ़ मतकीिन इसको पढ़ें अगर तमाम आलम इंसानियत के लिए है तो ये पैगाम तमाम इंसानों के लिए तो दोनों में कौन सा सही है दोनों सही हैं दोनों कुरान की आयतें हैं कुरान मजीद हिदायत है तमाम आलम बशरीत के लिए लेकिन शोर बखारा की पहली आयत में जो तखसीस की गई मतकीन के लिए कि हद्दन ललमुतिन ये हदायत है मतकीन के लिए इसका मतलब ये नहीं मुतकीन के, के अलावा दूसरों के लिए हिदायत नहीं है बल्कि इसका मतलब यह है हिदायत तो सबके लिए है तमाम इंसानों के लिए इसका पैगाम सबको पहुंचेगा लेकिन इसको मानेंगे सिर्फ वो जो मुतकी होंगे ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे अमीरुल मोमिनीन के लिए आप फरमाते हैं अमीरमिन के लिए आप कहते हैं कि वो अमीरमिन थे मगर आप उनको अमीरमतकीन नहीं कहते बल्कि इमामतकीन कहते हैं तो क्या वो इमाम सिर्फ मुत्तकीन के लिए थे क्या अल्लाह ने उनको इमाम सिर्फ मुत्तकीन के लिए बनाया था नहीं मुत्तकीन के लिए नहीं वो इमाम पूरी कायनात के लिए थे लेकिन मानेंगे सिर्फ़ वो जो मुत्तकी होंगे तो जिस अंदाज तो से कुरान हिदायत है सबके लिए मानेंगे सिर्फ वो जो मुत्तकी हैं इमाम हिदायत हैं और इमाम है सबके लिए मानेंगे सिर्फ़ वो जो मुत्तकी होंगे इसी अंदाज से पैगंबर इस्लाम रहमत हैं तमाम आलमीन के लिए लेकिन मानेंगे उनको रहमत सिर्फ़ वो लोग जो साबान ईमान होंगे इसलिए आताद की लक़तम्ला तुम तो पैगम्बर पर इल्ज़ाम लगा रहे हो उनकी शान में गुस्ताखी कर रहे हो तुम उनका एहतराम नहीं करते जबकि तुम तो उनके करीब बैठते हो खुद को उनका सहाबी भी कहते हो उन पर ईमान लाने का दावा भी करते हो मगर तुम उनका अहतराम नहीं कर रहे हो हाँ बिल्कुल तुम एहतराम नहीं करोगे क्यों इसलिए कि पैगम्बर इस्लाम रहमत और नहमत है किसके लिए मोमिन के लिए तो रहमत तो सबके लिए है मगर तुम नहीं मानोगे अगर तुम मोमिन नहीं हो यह है खिताब उन लोगों से कि जो पैगंबर इस्लाम की आज़मत को नहीं समझ रहे थे और उनके सामने इस तरह की गुस्ताखियां कर रहे थे लखत मन आमिन अल्लाह ने ममिन पर यह एहसान अजीम किया कि उनमें एक नबी अल्लाह ने एक रसूल भेजा इस तरह की आयतें कुरान मजीद में ये जो मजमून है ये इस मजमून की चार आयतें आई हैं जो बिल्कुल करीब माना हैं यकीन बल्कि माना के अतबार से बहुत ही करीब हैं अफाज में भी बहुत ही करीब हैं

इब्राहिम की ज़बान पर जारी हुई दुआ की शक्ल में अल्लाह ने इस दुआ को कबूल किया और उन्हीं अल्फाज में कबूल किया और उन्हीं अल्फाज में उसका जवाब दिया तीन जगह पर एक तो सूर्य बकरा ही की आयत नंबर एक सौ इक्यावन में हंड्रेड एंड फिफ्टी वन में कहा कि कमा अरसलनाफ़ी कम रसूलम मिन कुम यतलू आल कम आयातना वहीकिताबुल हकमा वालमकुम मालम तखूनु तमून ये सूर्य बकरा की आयत नंबर 151 में है और ये उस जगह इसका तस्करा किया गया है कि जहाँ पर पर्व तब्दीलीबिला का ज़िक्र फरमा रहा है कि जब कबला तब्दील किया गया तो क्यों किया गया और उसके 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 उस पूरे वाक़े को बयान करते हुए आखिर में फरमाया कि लियोथम मालय नमत अल्लाह ने इसलिए ये कबला तब्दील किया ताकि तुम पर अपनी नमत अल्लाह तमाम कर दे ताकि तुम पर नेमत तमाम हो जाए कमा इसी तरह तुम पर नेमत तमाम करे किबले की शक्ल में काबे को किबला बनाकर के कि जैसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक नबी भेजा कमा रसूलन मिनकुम फिर उसके बाद फिर वही मजमून आता है वही आलम तक तक ये आयत वही है उसके बाद तीसरी आयत जो इसी मफहूम की है वो यही है जिस जो इस वक्त जिस पर हम गुफ्तु कर रहे हैं सूर्य आल इमरान की आयत नंबर एक सौ चौंसठ जिसमें अल्लाह ने मुखालफ के मुकाबले पर ज़ाहिर है कि वो मुखालफ जो ईमान का और इस्लाम का दावा कर रहे थे उनके मुकाबले पर पैगम्बर इस्लाम की शान बयान फरमाते हुए और उनकी शान का दिफा करते हुए ये इर्शाद फरमाया कि लक़द मह आलमिन ने ममिन पर यह एहसान किया कि उन पर ऐसा नबी भेजा ऐसा रसूल भेजा और फिर वो मजमून आयत का वही है उसके बाद फिर चौथी आयत जो है वो सूरह जुमा की आप अक्सर सुनते रहते हैं هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين तो ये आयात हैं इसमें पैगंबर इस्लाम की गरज बेसत भी बयान की गई है ज़ाहिर है कि हम यहाँ बहुत तशरी में इसकी इसलिए नहीं जाएंगे कि गुज्त दो आयतों में सूरह बकरा की हम इस पर थोड़ी बहुत गुफ्तगू कर चुके हैं यतलुआल आयाती ही वकीम वहम किताबुलहिकमत इस नबी को जो भेजा रहमत बना कर नमत बनाकर एहसान अजीम करार देकर किस लिए भेजा काम क्या है इस नबी का यह नबी यहाँ पर आकर क्या करेगा तो चार काम बताए औरजनली तीन है लेकिन अगर आप इसको और तफसील में जाएँ तो चार हैं पहला काम यह है पैगम्बर इस्लाम के कि यतलू आलिम आयाती कि वो लोगों के दर्मियान आयात इलाह की तिलावत करें ये पहला काम है पैगम्बर का वह युजकी हिम उसके बाद उनके नफूज का तस्किया करें, उनके दिलों को उनके जहन को उनके फिक्र को पाक करें, उनकी रूह को पाक करें। करे वयुअलिमहमुल किताब और हिकमत फिर उनको किताब की तालीम दे ये तीसरा है और हिकमत की तालीम दे ये चौथा है अब जाहिर है कि इसमें बहुत से पहलू हैं गुफ्तु के लेकिन हम उस तफसील में इस वक्त नहीं जाना चाहेंगे लेकिन जो बुनियादी नुकता है यहाँ समझने का वो ये है कि अम्बिया इस दुनिया में आए तो माल्म बनकर आए खुद पैगम्बर इस्लाम फ़रमाते इन नमस् तो माल मैं इस दुनिया में आया हूँ माल बनकर टीचर बनकर यानी टीचिंग जो है वो इतना अजीम प्रोफेशन है इतना अजीम इतनी अजीम खिदमत है तदरीस तालीम के अम्बिया इसी काम के लिए भेजे गए हैं अल्लाह ने जब अम्बिया को भेजा और ख़ाति नबीन फरमाते हैं मुणलिम बनाकर भेजा कितनी बड़ी बात है लेकिन तालीम जिस पर बहुत ही हीज इस्लाम ने किया है बहुत ही अहमियत मुसलसल ताक़ीदन बयान की है इल्म और तालीम की तलीम और तिल्म के कुरान ने और अहादीस में और सीरत सीरत मासूमीन में हमको मिलती है लेकिन इस नुक्ते पर तवज्जो रखिएगा कि इस्लामी निज़ाम तालीम में और दुनियावी निज़ाम तालीम में ये बुनियादी फर्क है यतलू अलैहिम आयाति ही आयत पढ़ के सुनाता है जैसे एक टीचर इससे पहले कि क्लास में दर्स शुरू करे तो वो किताब का की एक इबारत पढ़ता है पढ़ के फिर उसकी तश्री करता है उसको एक्सप्लेन करता है यहाँ पढ़ना पढ़कर उसको एक्सप्लेन करना यह टीचर का काम है और यही दुनिया में हो रहा है और जितने भी दुनिया के स्कूल्स हैं कॉलेजेस हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इन सब में इसी अंदाज का निज़ाम तालीम है कि किताब होती है निसाब के तौर पर होता है टीचर होता है और वो किताब पढ़ कर उसी किताब में से स्टूडेंट्स को पढ़कर सुनाता है और, और तशरीह करता है इसमें और इसके बीच में एक और लफ्ज है व उनके नफूस का तस्किया करता है उनके दिल को कल्ब को उनके जहन को उनके फिक्र को उनकी रूह को पाक करता है फिर युहम तो इस्लामी निज़ाम तालीम की बुनियाद क्या है पहले तस्किया नफस, फिर तालीम अगर अखलाक नहीं है अगर नफ्स पाक नहीं है अगर वो जर्फ पाक नहीं है जिसमें इल्म आने वाला है तो वो इल्म भी पाक नहीं होगा और वो इल्म फायदे के बजाय नुकसान भी पहुंचा सकता है जैसे कि आजकल आप देखें कि जितने लोग आप मुजरमी आज के जो दुनिया के जो क्रिमिनल वर्ल्ड है वो लोग जाहिर लोग नहीं है वो लोग ऐसे नहीं कि अनपढ़ बड़ी बड़ी डिग्रियां उनके पास मगर उनके साथ जो मुश्किलें क्या है तस्किया नफ्स नहीं है उनका इसलिए उनका इल्म उनको और नुकसान पहुंचाता है और माशरे को नुकसान पहुंचाता है बजाय फायदे के लिहाजा जब कभी तालीम की बात हो तो तालीम से पहले तस्किए की बात होती है नफ्स की पाकिजगी तस्किया नफ्स जब हो उसके बाद फिर तालीम हासिल होती है तो बुनियादी तौर पर कुरान ने पैगंबर इस्लाम को इसीलिए लिए के लिए रहमत करार दिया और ममिन के लिए एहसान करार दिया आज भी पैगंबर इस्लाम आज भी एहसान तमाम आलमीन के लिए हैं यानी जितने मज़ाहब दुनिया के उन सब के लिए पैगंबर इस्लाम का वजूद नहमत है रहमत है उनका पैगाम सब के लिए एक एहसान अजीम है मगर फ़ायदा क्या क्या उसको कबूल कर रहे हैं उन्होंने उस उस, उस को माना है नहीं माना आज की दुनिया भी उस पैगाम को अगर नहीं माने तो महरूम होगी उस नेमत से और उस एहसान से हालांकि वो एक नेमत मौजूद है सबके लिए आ जाओ सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है मगर आएंगे सिर्फ कौन साहेबा ने ईमान एक और नुक्ता जो आ, आखिर में जहां ये आयत खत्म होती है और इस तरह की आयतें जहां खत्म हो रही है सूरह जुमे की आयत भी इसी जगह खत्म होती है वो इन कानू इनकू लफी गोबीन यानी याद दिलाया जा रहा है को। तुम आज पैगम्बर इस्लाम की अगर आजमत नहीं करोगे तो सोचो कि तुम पहले क्या थे तुम किन हालात में जिंदगी गुजार रहे थे कैसी गुमराही का माहौल था तुम्हारे अतराफ किस माहौल में सांस ले रहे थे पैगंबर जब तशरीफ लाए तो किस अंदाज से तुम्हारे लिए नेमत बने और कैसे उनका वजूद रहमत बना तुम देखो कि तुम उस वक्त गुमराह गुमराही के माहौल में जी रहे थे ये जब बात कही गई तो इससे अगर हम आज अप्लाई करें इस बात को तो एक बात ये वाजह होती है कि वो दौर जब पैगम्बर इस्लाम से पहले का दौर था जिसमें कुफर शर्क और गुनाह और बुराइयाँ आम थी उस दौर के लिए एक असलाह इस्तेमाल की जाती है उस दौर को दौरे जाहिलियत कहा जाता है दौरे जिहालत नहीं दौरे जाहिलियत वो दौरे जाहलीत जब इस्लाम नहीं था यानी नबी का पैगाम अभी आम नहीं हुआ था लोगों को पैगाम नहीं मिला था तो वह दौरे था तो दौरे जाहलीत था ही इसलिए ऐसा नबी जो मुआलिम किताबिकमत है उसके फ्यूज बरकत से वो माहौल महरूम था इसलिए उसको दौरे जाहिलियत कहा गया वही माहौल अगर आज आ जाए किसी भी एक इलाके में एक ऐसा माहौल बन जाए कि जिसमें पैगंबर इस्लाम की तालीमत शामिल नहीं है एक ऐसा मुआशरा सामने आए कि जहां पैगंबर इस्लाम की तालीमत पर अमल नहीं किया जाता तो फिर उसको भी दौरे जाहलियत ही कहा जाएगा आज भी ये और बात है कि हम उसको दौर जाहलीत जदीदा कह दें जदीद जाहलीत का दौर इसलिए कि जो इस्लाम की तलीमत हैं इंसानियत की रफ़त व बुलंदी के लिए जो कवानी और उसकी फ़लाह व बहबूद की ज़मानत के लिए जो जो लॉज़ कुरान ने और जो सिस्टम कुरान ने इंट्रोड्यूस किया अगर उसको आज इंसान कबूल नहीं करता तो जाहिर है कि वह फिर इस रहमत से और इस एहसान से महरूम रहेगा और उसके बाद फिर ऐसा ही है कि जैसे वो माकबल इस्लाम उस माहौल में जिंदगी गुजार रहा है जो जाहलीत का दौर था एक और नुकता अर्ज़ करके फिर हम आगे बढ़ेंगे इसलिए कि इसमें तो बहुत से मसाइल हैं गुफ्तु केम आयाति ही के बाद यु किताब उमा पर हमेशा तोज्ह कीजिएगा आप जब भी इस आयत को सुने सूर्य जुम्मा में खास तौर पर हर जुमे को मुसलमान इसको सुनता है पैगंबर इस्लाम कुरान पढ़ के सुना रहे थे कुरान पढ़ के सुनाने के बाद अब क्या था जो सिखा रहे थे किताब किताब पढ़ा रहे थे और पढ़ क्या रहे थे यतलू अलैहिम आया आयतें पढ़ के सुना तो आयतें किसकी पढ़ के सुना रहे थे इंजील की तो की? की नहीं आयते भी पढ़ के सुना रहे थे कुरान की और किताब में कौन सी किताब सिखा रहे थे कोई और किताब नहीं वो भी कुरानी सिखा रहे थे तो पहले पढ़ के सुना रहे थे फिर सिखा रहे थे तो ये क्या मतलब हुआ क्या वो किसी और जबान में था क्या वो किताब किसी और जबान में पढ़ रहे थे फिर उसका ट्रांसलेशन कर रहे थे नहीं अरबी में थी किताब तो ऑडियंस किसी और जबान के लोग थे नहीं वो भी अरब थे तो अरबों को पढ़ के सुना रहे थे अरबों में तिलावत हो रही थी अरबी जबान में तिलावत हो रही थी फिर सिखा क्या रहे थे इसका मतलब यह कि कुरने मजीद तन्हा पढ़ना किताब का काफी नहीं है बल्कि किताब के साथ मुआलिम किताब की जरूरत है जब उस दौर में उन अरबों के लिए कि जिनकी जबान में कुरान नाजिल हुआ उस वक्त सिर्फ कुरान तनहा उसकी तिलावत लोगों के लिए काफी नहीं हुई तो आज मुसलमान के लिए यह कुरान तनहा काफी कैसे हो सकता बगैर किताब के और अगर कोई माले में किताब हो तो हर हर इंसान माल्ले में किताब होने का दावा नहीं कर सकता अलावा नबी के जिसको अल्लाह ने बनाकर में किताब बनाकर तालीम देता है तो फिर इसकी जगह चूंकि ये पैगाम और ये कुरान कयामत तक रहने वाला था इसलिए जरूरत इस बात की थी कि पैगंबर अपनी जगह जब खुद जाए कुरान तो रह जाएगा नबी नहीं है तो यह मुमकिन नहीं है कि तिलावत हो तालीम ना हो लिहाजा अपनी जगह कुछ ऐसे लोगों को मुआयन करके जाए जो कुरान की तदरीस और तालीम इसी तरह करें इसी अंदाज से मालने में किताब हो जैसे पैगंबर तालीम देते थे किताब की और हमत की यही वजह है कि पैगंबर ने यह नहीं कहा कि देखो मैं जा रहा हूं और तुम्हारे पास

इन कानून इन कबल गुम खुली हुई गुमराहि में थे गुमरा में जो लोग थे उस गुमराहिने का एक ही जरिया था कि पैगम्बर इस्लाम को अल्लाह ने भेजा और नबी ने उस गुमराही से निकालने के लिए लोगों को दो दो तरीके इस्तेमाल किए एक तो कुरान पढ़ के सुनाया दूसरे उनको तालीम दी तो इसी की जरूरत कयामत तक इंसान को बरकरार रहेगी कुरान की जरूरत रहेगी मोलि में कुरान की जरूरत रहेगी और जब ये दोनों रहेंगे तो इंसान गुमराह नहीं होगा यही बात पैगम्बर इस्लाम फरमा रहे हैं कि मा इन तमस्तक तुम भी लन बादी अबदा। जब तक तुम कुरान और मुअल्लिम कुरान के जो अहल बैत हैं इनसे तुम जब तक वाबस्ता रहोगे तुम कभी गुमराह नहीं होगे और अगर तुमने इन दोनों में से किसी एक कदामन छोड़ दिया तो फिर तुम कभी सरात मुस्तकीम पर कायम नहीं रह सकते बहुत सी और पहलू हैं इस आयत में लेकिन हम इसको छोड़ते हैं हम आगे बढ़ते हैं इसके बाद की जो आयत है आयत नंबर एक सौ पैंसठ अवलमत को मुसीबत अब यहां फिर इशारा उन शिकवे व की जानब है जो मुसलमानों की जानब से की जा रही थी जंग अहद में शिकस्त के बाद जब शिकस्त हो गई तो लोगों ने शिकायत करना शुरू की हमसे तो वादा किया गया था का का नुसरत में तो हम कम थे, भी कम थे भी थे हमारे पास साजो सामान भी नहीं था जंग का फिर भी हम फते याब हुए ये क्या हुआ कुल तुम अन्ना हादा जब तुम पर मुसीबत पड़ी जब तुम पर तुम्हारे सामने परेशानी आई तो तुमने फौरन ये कहा कि ये कहा से हैं? कि क्या हुआ ये? तो इसका जवाब लम्मा असाबत को मुसीबत कद असब तुम जब तुम पर मुसीबत पड़ी कद असब तुम, तुम क्यों इस बात को भूल जाते हो तुम आज बदर को याद कर रहे हो ना तो ठीक है ये भी याद करो कि तुम इससे दुगनी मुश्किल और मुसीबत में दुश्मन को डाल चुके हो जिसमें आज तुम हो तो फौरन शिकायतों पे आ गए ये तो सोचो, तुम तुमने उनको डबल तकलीफ पहुंचाई थी और अजियत पहुंचाई थी जो आज तुमको उनसे पहुंची है तो मुफसरीन ने और रिवायत में भी है यही यही लिखा है और इस पर इससे मुराद जंग में मुसलमानों के जो सत्तर सिपाही शहीद हुए उसकी जानेब इशारा है कि सत्तर शहीद हुए लेकिन असीर कोई नहीं हुआ गिरफ्तार कोई नहीं हुआ इसके बरअक्स बद्र में सत्तर काफिर जो है कत्ल हुए और सत्तर असीर हुए अब तुम और सब दोहरे तो तुम क्यों आखिर उस इस तकलीफ़ को तो याद किए हुए हो और वो जो तुमने तुमको उस वक्त अल्लाह ने फतेह दी थी उसको क्यों भूले हुए, हुए? यहाँ जाहिर सी बात है कि इंसान की फितरत है कि जरा सी परेशानी में और थोड़ी सी तकलीफ में वो गुज्त नमतों को भूल जाता है तकलीफ याद रखता है नेमतों को भूल ये इंसानी फितरत है अल्लाह चाहता है कि नहीं याद रखो दोनों चीज़ों को अगर आज तुमको तकलीफ पहुंची है तो ये भी देखो तुम तुमने क्या किया था उनके साथ तुमको क्या मिला था उस वक्त तो फरामोश ना करो और हमेशा नेमतों को और जहमतों को कंपेयर करते रहा करो कोई परेशानी आए तो फौरन किसी नेमत का तस्करा कर लो ये परेशानी कम हो जाएगी तुम्हारी या या तो भूल जाओगे इस परेशानी को या कम हो जाएगी और दूसरे ये कि इसके बाद वजह बता रहा है कुरान ताकि एक बात जहन में हमेशा रहे तुम्हारे जब किसी मामले में कामयाबी और नाकामी दो हालतें सामने आए तो कामयाबी में इंसान को खुशी होती है नाकामी में इंसान को रंज होता है लेकिन कामयाबी को जैसे अभी हमने अर्ज किया याद रखता है कामयाबी को भूल जाता है नाकामी को और तकलीफ को याद रखता है तो कुरानी कह रहा है कि तुम दोनों को साथ लेके चलो कंपेयर करो ताकि वो कमियां तुम्हारे जहन में आ सकें जब कंपेयर करोगे कि भी क्या वजह थी वहां कामयाबी मिली क्या वजह थी यहां नाकामी हुई तो जो गलतियां तुम्हें नाकामी जो गलतियां नाकामी की बुनियाद बनी जब तुम्हारे सामने वो गलतियां आएंगी तो तुम आइंदा उन गलतियों से बच सकोगे और मुस्तकबिल के लिए सही ला अमल तैयार कर सकोगे ये इसी में कामयाबी का राज पोशीदा है कौमों की तो अपने मुस्कबिल को बनाने के लिए माजी को मत भूला करो तो अगर तुम तुमने देखा कि इस वक्त हम सत्तर लोग हमारे मारे गए जबकि अच्छी खासी तैयारी थी और वहाँ सत्तर उनके मारे गए थे और सत्तर हमने असीर भी किए थे डबल हो गया था काम तो क्या वजह उस कामयाबी की थी और क्या वजह इस नाकामी के इस पर गौर करो जब गौर करोगे तब तुम मुस्तकबिल में इस तरह की नाकामी और शिकस्त महफूज रह सकोगे ये उसूल है जो कुरान हमको दे रहा है अब ये कहता है कुल तुम अन्ना हादा तुम कहने लेंगे ये, ये कहाँ से आया ये कहाँ से हुआ और ये कैसे हुआ तो जाहिर सी बात है कि मुसलमान जिनको फतह नुसरत का यकीन था इस बिना पर कि अल्लाह ने और नबी ने उनसे वादा किया था नुसरत का और फिर बद्र में भी नुसरत हो चुकी थी तो यहां वो कह रहे हैं अगर ऐसा था तो ये क्या हुआ ये मुश्किल फिर कहाँ से आई तो पहली बात तो याद रखनी चाहिए कि बेशक इससे पहले की आयतों में ये मजमून आ चुका है और उसको कुरान बयान कर चुका है ऑलरेडी के बेशक नुसरत का वादा था लेकिन ये वादा गैर मशरूत नहीं था कि बस तुम कलमा पढ़ लो और आओ फिर उसके बाद तुम कभी हार नहीं सकते मशरूत था आज भी अल्लाह का वादा है मोमिन से कि वो बुलंद रहेगा और वही अजीम रहेगा वही सुपर पावर बनेगा लेकिन मशरूत है गैर मशरूत वादा नहीं मोमिन हो वही शर्त वहां थी में भी तुम जीतते तुम्हें को फता हासिल होती अल्लाह का वादा सही था लेकिन हुआ क्या कुरान यही कह रहा है कि तुमने तुम जो हमसे सवाल कर रहे हो कि कहां से आया ये तुम्हारी वजह से कुल मिन नबी इनसे कह दें कि जो शिकस्त हुई और जो तुमको परेशानी हुई और जो तुम तुम्हारे सामने ये आफत आई मुश्किल आई इसका सबब तुम खुद हो क्या तुम भूल गए कि किहद की शिकस्त किस लिए हुई थी ढूंढो तलाश करो वो इसबाब सूर, इसी आ, आ, सूरे में आयत नंबर 152 में एक में इसकी तशरी की गई बताया गया है कि तुम ये ये जो शिक्ष हुई क्यों हुई इसका सबब तुम खुद थे हतिल तुम वह तनाजा तुम फिल अमर वही तुम ये इसबाब बयान किए गए हैं ये तुम थे कि जिन्होंने पैगंबर इस्लाम की मुखालिफत की उनकी बात नहीं मानी उनकी बात मानते तो उनको यकीनन फतह होती वादा यही था कि तुम हमारी बात मानोगे तुमको फतह होगी तुमने बात नहीं मानी फातः फातल मशरूत, जब शर्ती नहीं रही तो मशरूत कहां से रहेगा फिर तुमने माल गनीमत की लालच में वो मोर्चे छोड़ दिए जिस पर पैगम्बर इस्लाम ने मुआन किया था वही उसी पर इतफा नहीं की बल्कि जब दुश्मन ने हमला किया तो तुम भाग खड़े हुए पैगंबर इस्लाम को तनहा छोड़कर दुश्मनों में तुमने कम कुछ हरकतें की हैं तो क्या तुम समझते हो कि ये ये जो तुम्हारे करतूत थे जीतने के करतूत थे ये काम जीतने वालों के होते हैं इसका मतलब है कि तुम थे जिम्मेदार कुल हुआ नबी इनसे कि तुम्हारी तरफ से और ये तो खैर जाहिर सी बात है कि जब वाकत कुरान बयान करता है कोई स्पेसिफिक वाकया बयान करता है लेकिन जनरली कुरान का पैगाम सबके लिए होता है ताकि आज हम भी अगर किसी इस तरह की मुश्किल में गिरफ्तार हों कि जिसमें हमको उम्मीद थी कामयाबी की और हुई नाकामी तो हमको अपना एहतसाब करना चाहिए और हमें अपनी उन गलतियों को और अपनी उन कोताहियों को देखना चाहिए कि जिनकी वजह से हमको वो दिन देखना जो है नसीब हुआ तो फिर होना ही चाहिए कि इंसान अपना हिसाब खुद ले और उन तल तजुर्बात से फ़ायदा उठाए कि जो उसके सामने आई थी और उन गलतियों से आइंदा इज्तनाब करे दूसरा पैगाम ये है हुआ मिन कि जब कोई मुश्किल और मुसीबत तुम्हारे सामने आए और इसका तस्करा कुरान मुताद जगह पर कर चुका है वक्त नहीं रह गया है आ, इशारा किया गया है कि लोग आ, किसी बात को तकदीर करोना रोना शुरू कर देते हैं दूसरों के सर डाल देते हैं इंसान खुद मुश्किल का जिम्मेदार खुद है जो भी परेशानी आती हैं उसका रीजन इंसान खुद है वो खुद वो मुश्किल पैदा करता है अपने लिए चाहे वो इंडिविजुअल कोई एक इंसान हो या मुआरा हो या कोई कौम हो जब कौमें जलील होती हैं तो ऐसे नहीं जलील हो जाती कौमें अपनी जिल्लत का सामान खुद मुहैया करती है जब कोई फर्द किसी परेशानी का शिकार होता है तो उस परेशानी का वो खुद मुहैया करता है तो यही कुरान करा कुल तुम्हारा अपना किया धर अल्लाह तो हर शे पर कुत रखता है जब आयत यहाँ तमाम होती है ये वाली क्या मतलब यानी कि बिला शुभ अल्लाह हर शे पर कादिर है अल्लाह चाहे अब इसके बहुत से पहलु हैं इस गुफ्तगु के भी यानी अल्लाह हर शे पर कादिर यहाँ ये यह क्यों कहा गया ये कहा गया इसलिए कि अल्लाह चाहता तो तुमको यकीन हर हालत में तुमको फत जो है जफर नसीब होती अल्लाह कुदरत रखता है हर चीज़ पर लेकिन तुम भी इसके जिम्मेदार इसमें तुम्हारा दखल है शिकस्त में अल्लाह ने तुमको तुमको आज़ादी दी है इसीलिए नतज बेशक अल्लाह के इख्तियार में है लेकिन काम और तवक्ल से पहले जो तुमको इसबाब मुहैया करने हैं और उस पर अमल करना है तुमको करना था वो तुमने नहीं किया और अभी भी तुम अपनी गलतियों का एहसास करके अगर तोबा कर लो और उसकी इताद शुरू कर दो तो अल्लाह क़दीर हर शे पर कादिर है आइंदा तुमको हमेशा फतो कामरान नसीब हो सकती है और साथ ही साथ यह कि बेशक खुदा हर शे पर कादिर है वो मुसबल असबाब है मगर हालांकि पूरी कायनात में उसकी मशीयत ही कार फरमाइल मगर उसने इस कायनात को दार असबाब करार दिया है आलम असबाब है ये उसने हर शे को काज एंड इफेक्ट से जोड़ा हुआ है हर चीज का एक सबब है हर चीज का एक रीजन है एक इल्लत है और तुमको उसी सिस्टम के अंदर रहना है तो ये जो शिकस्त हुई है इसका सबब तुम खुद थे ये इसकी इल्लत तुम थे दूसरा ये भी है कि ठीक है अगरचे इंसान अपनी सर, सरनविश खुद लिखता है और खुद जिम्मेदार होता है अपनी किस्मत का भी काफ़ी हद तक मगर फिर भी जहन में ये रखना देखें बैलेंस देखें आप जो मैसेजेस जा रहे हैं इस आयत से इसको समझना कुदरत और अख्तियार कुल्ली अल्लाह के हाथ में है यानी फताह हो या शिकस्त हो आखिर में बिला शुभ इख्तियार औरत और अल्ला ही के अल्लाह ही के पास है तुम कुछ नहीं कर सकते ऐसा ना हो कि कल अगर फतह हो जाए जब हमने तुमसे कहा कि शिकस्त तुम्हारी वजह से हुई है तो तुम कल को तो फतह हमारी वजह से हुई थी नहीं ऐसा नहीं है और दूसरे एक पैगाम यह भी है कि अगर तुमको शिकस्त हो गई है और उस वक्त तुम जरा दिल बर्दाश्त हो तो फिक्र न करो अगर, अगर अल्लाह की कुदरत पर तुमको यकीन है और ईमान तुम्हारा कवी हो जाए और तुम अल्लाह की ताद करो और वो गलतियां दोबारा न दोहराओ तो तुमको अल्लाह अपनी कुदरत से फिर

देखा आपने तो क्या मतलब हो वो वाली बात सही है कि तुम्हारी तरफ से था ये वाली बात सही है कि अल्लाह के हुक्म से था दोनों बातें सही असल में यहाँ पर वही बैलेंस जिस पर बड़ी बहसें हैं बड़ी किताबें लिखी गई हैं बड़े आ, मुबाहसे मुनाकिशे किए गए हैं इस इस बात के ऊपर कि इंसान मजबूरे मुतलक है मजबूर महज है या मुख्तार मुतलक है तो जब किसी ने इमाम से पूछा तो इमाम ने फरमाया कि ना ये सही है ना ये सही है बल्कि अमर उन बैन अमरन दोनों के दरमियान इंसान है न कुल्ली इख्तियार उसको हासिल है ना बिल्कुल वो मजबूर है यही मफहूम यहाँ पेश किया जा रहा है कि ठीक है तुम्हारी हरकतों की वजह से ऐसा हुआ लेकिन जो कुछ हुआ अल्लाह उसको चेंज कर सकता था मगर चेंज नहीं किया अल्लाह ने जो कुछ हुआ अल्लाह के एजन से हुआ तुम्हारी हरकतें भी शामिल थी और अल्लाह का हुक्म भी उसमें शामिल था दोनों चीज़ें हैं अल्लाह का हुक्म क्यों था तो अल्लाह ने ऐसा क्यों चाहा कि ऐसा हो जाए व लिया इसलिए था कि ताकि ममिन पहचाने जाए यानी अल्लाह की तरफ से अगर इसमें इजन शामिल था उसकी मर्ज़ी शामिल थी और ज़ाहिर है कि उसी के हुक्म से कोई काम होता दुनिया में कोई पत्ता उसके उसके बगैर हिल नहीं सकता तो उसमें कोई मसलहत होगी मसलहत क्या थी लिया ताकि ममिन पहचाने जाएँ

मैं भी था उसमें शामिल तो आप थे तो आपके कारनामे क्या थे वो तो आप बयान फरमा दें इसमें फख्र ना करें कि आप जंग में शरीक थे ये बता दीजिए और ये भी फख्र न करें कि आप रसुल्ला के पास बैठते थे ये भी बता दीजिए कि आप रसुल्ला के बैठने वालों में उनमें से थे जो नबी पर इल्जाम लगाते थे या उनमें थे जो नबी का एहतराम करते थे आप जंग में जाने वालों उन में उनमें थे जो सिबात कदम के साथ जंग करते थे लड़ते थे और साबित कदम रहते थे या भाग जाया करते थे जब आप ये बता देंगे तब पता चलेगा कि आप कौन हैं। तो कोई शख्स फख्र न करे किसी चीज़ के ऊपर कि मैं हूँ या फला कि जो है किसी का नाम लेकर फख्र किया जाए कि फला साहब जो है वो नबी के पास बैठते थे पास बैठना नहीं अल्लाह चाहता था कि मोमिन और मुनाफिक इन हालात से जंग के अहद के वक़ात से बिल्कुल अलग अलग हो जाए दूध का दूध हो जाए पानी का पानी हो जाए इन आगे की आए थे हम अगले हफ्ते पढ़ेंगे जिसमें मज़ीद अल्लाह ने इसका सबब बयान किया है और किस अंदाज़ से